2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। वो दिखावा किया है उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। भारत के सभी लोग एक हों इस पर हम विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक डाटा जारी किया है क्राइम का, ये पटना के बिहार में यहाँ एक हत्या हुई, यहाँ हत्या हुई, कैसे देखते हैं? अरे नीचे रखो, सब सब ठीक है। 2005 के पहले 2005 के पहले किसी साल का डाटा पढ़िए, उसके बाद इधर का डाटा। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपटीटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। केस या ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। यात्रा पे निकल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या 20% हो रही है। भारत के सभी लोग एक हों इस पर हम विश्वास करते हैं और भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसलिए ये कहना कि कौन कहाँ क्या है, कोई अगर कहता है तो गलती है।